अब मैं सांसद जी के बारे में क्या कहूँ, ये घोषणाएं सुनते सुनते जब हम यहाँ आए तो हमारे बाल काले थे जवान, अभी हम यहाँ तो बूढ़े हो गए, लेकिन ये नारा और घोषणाएं वो पूरी नहीं रहा हूँ कि मैं गुज्जर हूँ, मैंने नहलाया और मैं अकेले नहीं नहलाया, पूरी साउथ सी लाइन का प्यार था वो उमेश जी के लिए। तो ये सब बातें आप जो कहना चाह रहे हैं, हम कॉलोनी वासी हम ऐसा काम नहीं करना चाहते कि किसी पे स्पष्ट आरोप लगाए जब तक हम नहीं जाने। जो आप कहना चाहते हैं कि वे उसने पाँच रुपये पाँच लाख रुपये नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे हैं, ऐसा आरोप आप लगा रहे थे। आप ये जो आज बैठे देखो जो बैठा था वो जाने, आप सभी लोग किसी कानून है कि आपस में भी सुनाने वालों में आप कोई गुटबाजी नहीं है, सभी साथ बैठे थे, हमने अपने पार्सल को आगे बढ़ा रखा था और आप सब लोग। साउथ सिविल लाइन में सबसे ज्यादा पानी भरा, मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये रहा कि साउथ पहला तो क्या है कि पहले यहाँ पर आगे ज्यादा कॉलोनियाँ नहीं थी, भारी बारिश हुई, मोहनपुरे का पानी और ऊपर का पानी, इधर का जियाटन का पानी, सारा का सारा पानी यहाँ निकलता था, निकासी की कोई सुविधा नहीं थी, मोहम्मद का पानी उल्टा इधर आ गया, इसी वजह से ये सारा पानी। अच्छा सचिन चौधरी को लेकर क्या हो गया, पार्षद को लेकर क्या वो आपके लिए काम कर रहे थे? सचिन चौधरी का काम क्या हर समय वहाँ भी और इधर भी, अपने यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, आपको यकीन नहीं होगा कि परसों रात को एक बजे तक वो खुल नहीं आ गया। उनके ऊपर अब अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं सरकारी कर्मचारियों द्वारा। फिलहाल काम पर चढ़े हो साउथ सिविल लाइन, अभी साउथ सिविल लाइन का लंदन बना दे लोग, तो मैं दूर से मिला दिया। ये बात चैंपियन साहब ने की, चैंपियन साहब ने एक बात भी कही थी कि जो उन्हें मिला रहे दूर से वो उन्हीं के बंदे हैं जो कि मुसलमान है, जो वो बंदे मरीज होते हैं वो ये मिलाने वाले बंदे ही है। ये भी बताया कि अल्लाह के को ये भी बताया कि नाला कौन रहा था, आगे आओ जानबूझकर किसी चीज़ को अपने आप बोलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं की बिरादरी से गुज्जर बिरादरी से उनको सब पता है कि कौन नला रहे थे, पर उनकी एक बात बोलने का जो मेरे को एक्ट्रोस है चीज़ के नाम कॉमडन नला रहा उसको या कोई और, वो बहुत बुरी बात है कहने का। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उसके फैन हैं उमेश जी के, वो उनके काम से है, उनसे नफरत अगर है तो उनके काम को लेकर है, उनके व्यवहार को लेकर है। प्रणव जी से बहुत सारे लोग गुज्जर भाई जुड़े हुए थे, आज एक एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं उनको, तो उसका रीजन केवल और प्रणव सिंह है, कोई और दूसरा नहीं है, और इसका रीजन उनका व्यवहार है, उनकी बदतमीजी है, उस चीज को लेके वो कर रहे हैं। आज वो कहें कि आज हिंदू और मुसलमान इसमें बांटना शुरू कर दिया उन लोगों ने, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गुज्जर हूँ, मैंने नहलाया और मैं अकेले नहीं नहलाया, पूरी साउथ सी लाइन का प्यार था वो उमेश जी के लिए, और वो इसलिए था अगला बंदा उमेश जी साउथ सिविल लाइन में 2 बजे तक रात के अपने आप क्लिप जोड़ जोड़ कर 3 पाइपलाइन 4 मोटर लगा के और सारा पानी निकलवा के जब जा रहे हैं। अब 4 दिन से अगर चल रहे हैं भाई तो उसी अकेले बंदे की है उमेश जी की देनी है, किसी और बंदे का अगर कोई खड़ा हो यहाँ कह दे कि मेरा मोटर लगा, अभी प्रणव जी कह रहे मेरे 72 मोटर लग रहे हैं वहाँ पे, दिखाओ दो एक मोटर आ गया, इस पर हाथ रख के बताओ ये मोटर मेरा है। ये जो चीज है कहने की आक्रोश है इस चीज को लेकर, पर उनको ये बोलना चाहिए कि भाई हाँ हमने हेल्प नहीं, पर वो हेल्प दिखाया था गर्मी में दिखनी तो चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमने सबको अप्रोच किया, अच्छा 4 दिन तक इसमें कोई डाउट नहीं, एसडीएम साहब के साथ रहे सब रहे 3 दिन तक, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। जब उमेश कुमार जी ने खुद एसडीएम साहब को बताया कि भाई ऐसा करते हैं और 5 मिनट में उन्होंने सोल्यूशन दे दिया इस बात का, सोल्यूशन देने के बाद जैसे ही वो एक्शन में आए उसके बाद ही सभी एक्शन में आए हैं, इसीलिए हम कहते हैं। और उमेश कुमार जी उसी दिन हमारे साथ यहाँ पर पानी में घुस करके उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और पाइप लगवा दिया। अच्छा भाई अभी तो यहाँ बता रहे हैं, एक मिनट अभी तो बता रहे हैं उमेश कुमार जो खानपुर जाएगा 5 दिन बाद पहुँचे नहीं है, हाँ। वो तो पहले दिन से ही आना चाह रहे थे, अच्छा, लेकिन कुछ लोग उनको आने नहीं देना चाहते। कौन लोग हैं नाम बताओ जरा से, जो उनको विरोधी होंगे। अच्छा ऐसे कौन लोग होंगे कि आपदा के समय में विधायक को नहीं आने दे रहे और विधायक नहीं आ पा रहे? देखिए ऐसा है साहब, चैंपियन साहब भी उससे पहले आए थे, हाँ, उमेश कुमार साहब आए, उन्होंने भी हम खड़े हुए वहाँ पर, लेकिन अगले दिन उमेश कुमार जी घुसने के बाद उन्होंने ये कहा, हाँ। कि भाई मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ जब तक पाइप नहीं आएंगे मैं खड़ा हूँ। हरीश रावत भी बैठ गए थे यहाँ पर, हरीश रावत जी को मैंने कहा था कि 15 साल पहले 14 साल पहले 12 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री थे उनको याद नहीं होगा कि यहाँ पर मैंने उनको पकड़ लिया था कि बाबू जी कि आप जब 12 साल पहले यहाँ मुख्यमंत्री थे आपको ऐसी पानी में हमने खड़ा किया, हाँ। मैं खुद था। अच्छा कॉलोनी के लोग हैं आप सब, कॉलोनी के रहने वाले हैं, आपके पार्षद कहाँ है क्षेत्र के, इतनी बड़ी समस्या में वो क्यों नहीं खड़े आपके साथ? पार्षद अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे तो फिलहाल तो यहाँ। अच्छा भाजपा की सरकार है, सांसद जो है, अब मैं सांसद जी के बारे में क्या कहूँ,
ये घोषणाएं सुनते सुनते जब हम यहाँ आए तो हमारे बाल काले थे, जवान थे, अभी हम यहाँ तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ये नारा और घोषणाएं वो पूरी नहीं। श्रेय हमारा विधायक जी को, सोमेश कुमार हमारे विधायक जी हैं, और किसी को नहीं, किसी और को नहीं। देखो ऐसा है, उस लीडर की लड़ती फौज है, जवान नाम किसका होता है, कमांडर का, जो लीड करता है, उन्होंने लीड किया पीछे पीछे। भाजपा ने अब यहाँ पर नाला बनवाने की घोषणा कर दी है, नाला बनेगा करोड़ों का, हमें यकीन नहीं, घोषणा तो हमें यकीन नहीं। अच्छा बिल्कुल, ये घोषणाएं हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, हजारों बार। बताओ जिस दिन आए थे धरने में उस दिन मीडिया के साथ अनबन दिखाई दे रही थी, क्या मामला था? जी बिल्कुल सही, मीडिया का नहीं, देखो मीडिया और जनता का बहुत आपस में पूरक है एक दूसरे के, और मैं भी उसके साथ मिलता वहाँ पर जो धरने में, उस समय इतना आक्रोश हो चुका था, चार दिन हो चुके थे, कोई हमारी सुन नहीं रहा था, जब हमने रोड जाम किया सब लोग मूर्ख तमाशा देख रहे थे, तीन घंटे के बावजूद भी उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ठीक है मीडिया जो है इस बाइक से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि चार दिन से बाइक ले जा रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप सब भी जानते हैं। फिर भी अगर मीडिया ने, मीडिया के साथ हमने या हमारे साथी ने कुछ किया तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हम ध्यान रखेंगे कि आपस में कानून। धन्यवाद। किसके द्वारा निकलवाया गया पानी, किसके लिए आप यहाँ पर प्रेस वार्ता करी आपने? ये पानी जो निकाला गया है ये केवल हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनके माध्यम से पानी निकलवाया। अच्छा, और एक समय ऐसा था कि दूर दूर तक कोई आशा दिखाई नहीं। अच्छा, और आते ही उन्हें तुरंत कार्रवाई कर दी, और उस दिन से लगा पानी निकल रहा और बहुत ज्यादा पानी निकल चुका। हाँ, अभी सतपाल महाराज जी भी आए थे, वो बोल रहे घोषणा करके गए हैं, देखिए ना बहुत, लेकिन खाली आम तक ही बैठे, पूर्व विधायक भी आए थे यहाँ, सांसद ट्रैक्टर बैठे, बहुत लोग आए, लेकिन धरातल पर काम उमेश कुमार जी का दिखाई दिया। अच्छा, उमेश आप नारेबाजी कर दी मुर्दाबाद? देखिए उस समय क्या था, इतनी बड़ी समस्याएं इस कॉलोनी के सामने थी, ये दिखाई दे रहा था कि मरने की स्थिति थी लोगों को। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा उत्तेजना में हो गया था, नहीं तो ऐसी बात नहीं, दो दिन से हमारे बीच में काम कर रहे हैं, पूरी जनता इनके साथ है और बहुत खुश है इनके बाद। अच्छा, अब तो सांसद जी ये कह रहे हैं कि 12.5 करोड़ की लागत से नाले बनेंगे, यहाँ पे वो बात करवा दी। ये एक वो वाली बात है ना कि तारीख पर तारीख देते रहो, बाकी जब धरातल पर काम होगा वो अपने आप दिखाई देगा, अभी तो आश्वासन दिया जा रहा। इलेक्शन भी कह रहे 12 करोड़ का नाला बनेगा यहाँ पानी निकासी के लिए। इस समय क्या था, जब आदमी मरने लग रहा तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा, आश्वासन की जरूरत है। वो किसने दिया ट्रीटमेंट आपको? उमेश कुमार जी ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक।